सुप्रीम कॉन्शियसनेस हैज इंक्रीज्ड एंड इट हैज इवॉल्व्ड। उसका मतलब है ये जो सुप्रीम कॉन्शियस है, ये अनंतता है, उसका जो प्रतिबिंब ये आत्मा के मन में, एक व्यक्तिगत मन में, हर प्रत्येक आदमी का मन में जो होने की क्षमता है, उसकी क्षमता बढ़ने वाला ही विकास विकास का धारा है। एक कोश जीवी, बहु कोश जीवी या कीड़े मकोड़े, इनके मन का इतना विकास नहीं हुआ ताकि वो ये अनंतता की है, सुप्रीम कॉन्शियस की प्रतिबिंब वहाँ रिफ्लेक्ट हो, प्रतिबिंब वो देख सके, वो महसूस कर सके। वो विकास वहाँ हो रहा था, मगर हो रहा है, वो उसका महसूस नहीं कर पा रहे। जब आदमी होता है तो ये विकसित रूप में जब आदमी आए तो वो महसूस कर सक रहा है कि ये प्रतिबिंब मेरे मन में भी आ सकता है। दिस इज द रियल कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो द एवोल्यूशन कैन नॉट स्टॉप हियर। आदमी ये नहीं बोल सकता कि वो आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन अर्थ। रॉन्ग, बिल्कुल गलत। आईक्यू जो बोलते हैं, सबसे ज्यादा आईक्यू है शार्क का। शार्क जब, अगर घ्राण शक्ति जो स्मेलिंग कैपेसिटी है, ये तो डॉग का है। डॉग इज द हाईएस्ट कैपेसिटी। और जब अल्लोर कल्लोर होता है, कुछ पृथ्वी के में समझिए, कुछ हम अर्थक्वेक हो रहा है, ये हो रहा है, जी जानवर है वो पहले, सबसे पहले उसका इंडिकेशन उनको मिलता है, आदमी को नहीं मिलता है। इतने साइंस की डेवलपमेंट होने के बाद भी हमसे पहले वो लोग जान लेते हैं। यानी ये सब जो इंद्रिय का शक्ति है, इसका विकास नहीं हुआ। फिजिकल फॉर्म में हमसे बहुत जो पीछे है, सस्तनी जो हाथी हो या जो भी हो, उनके पास इतने फिजिकल शक्ति है कि आदमी उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो आदमी का क्या विकास हुआ है? यही जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का प्रतिबिंब उसका मन, मन के अक्ष पर वो जो प्रतिबिंब हो रहा है, उसका महसूस करने का क्षमता उसमें आ रही है, ये विकास हुआ है। आगे ये तो रुक नहीं सकता। जब ये नहीं बोल सकते कि दिस इज द एंड ऑफ द लैडर, इसके बाद विकास है ही नहीं, नहीं, विकास तो होते रहेगा। अपना सृष्टि चक्र के दार्शनिक प्रिंसिपल में हम ये देखते हैं क्या होगा आगे। आगे होगा आदमी का विकास किस तरफ, वो पूर्णतः की ओर चल रहा है, उसका मानसिक विकास और ज्यादा हो रहा है, ताकि वो सब अहम ब्रह्मास्मि का महसूस उसको हो जाए। तो इसलिए चरम निर्देश में बाबा कहते हैं कि वो जो नियमित रूप से दोनों वक्त साधना करे, उसका मुक्ति निश्चित है। इसका कहीं और हमें मिल सकता है क्या? इसकी प्रूफ, इसकी जो, और किसी ने इसको कहा है क्या? भगवद गीता में आप इसी को देख सकते हैं। भगवद गीता के 8वीं चैप्टर के 5वां श्लोक, अंतकाले मामेकं स्मरणं मुक्त्वा कलेवरम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मरते समय मेरा नाम लेके मुझे स्मरण करते हुए अपने देह का त्याग करता है, वो मुझे ही पाएगा निश्चित, निसंशय रहो। ये गीता में भी कह गया है। तो अपना प्रूफ के लिए, अपना सपोर्ट के लिए भगवद गीता भी वही है। तो उसके आगे दूसरे श्लोक में, यानी 8वें चैप्टर के 6वें श्लोक में कहते हैं, ये कैसा हो सकता है? वहां कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वो जो मरते वक्त जिसको जो बोध होता है, जो सोचता है, वो उसी को, उसी रूप उसको मिलता है, उसी भावना से वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए
कहते हैं मेरी ही भावना लो। वो भावना कैसा आएगी? सतत अभ्यास से, रेगुलर प्रैक्टिस, उसी से आएगी। इसलिए बाबा ने ये निर्देशन दिया। और आगे सेंटेंस पे चलते हैं। आगे का सेंटेंस क्या है? यम नियम के पालन बिना साधना असाध्य है। क्यों? अरे भाई, मैं यम नियम का पालन क्यों करूं? मैं तो साधना करता हूं, मैं भक्त हूं, मैं भगवान का नाम सदा लेते रहता हूं, तो मुझे यम नियम की क्या जरूरत है? कभी कभी लोग सोचते हैं ऐसा, क्यों जरूरत है? यम क्या है? हम दुनिया के साथ कैसे रह रहे हैं? एक सत्य, अहिंसा, आस्तिक, ये दुनिया के लिए कुछ होने वाला नहीं है, उससे बाहर की दुनिया को कुछ नहीं, मगर ये पालन करने से मेरा मन शुद्ध होते हुआ है। क्योंकि ये दर्पण को, आईना को, मेरे मन का जो आईना है, इतना साफ सफाई रखूं कि वो परम पुरुष का प्रतिफलन उसमें हो जाए। वो साफ सुथरा रखने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए यम की पालना बहुत अवश्य है। मैं अगर झूठ बोलते रहूं, सती नहीं बोलूंगा, हमेशा झूठ बोलते रहूंगा, ये मैं हिंसा करते रहूंगा, तो मेरा मन क्या हो, मलिन होगा। ये मलिन मन में, मलिन आईना में प्रतिफलन तो हो ही नहीं सकता। तो मन को शुद्ध रखने के लिए यम जरूरत है। यम क्या है? हम दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करें। नियम अपने भीतर की स्वच्छता, उसके बिना फिर वही मन जब अशुद्ध होगा तो हम शुद्ध परमात्मा को कैसे वही मन में देख सकेंगे। तो यम नियम के पालन बिना साधना नहीं हो सकती। परम पुरुष के भावना लेना, ये अनंतता की भावना लेना, ब्रह्म भाव लेना जब साध्य है, जब मेरा मन शुद्ध हो, तो आगे क्या मेरे प्रभु डरा रहे हैं क्या? जो इसकी अवहेलना करता है उसके लिए क्या है? कोटि कोटि वर्षों तक पशु जीवन की क्लेश में दग्ध ना हो। अरे प्यारे बाबा, सब बोलते हैं प्यारे प्यारे बात, सबको बोलते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो क्या डरा रहे हैं क्या इसको, तुम्हें क्लेश भोगना पड़ेगा? नहीं डरा रहे हैं मेरे प्रभु। वो प्यार से बोल रहे हैं, साइंटिफिकली बोल रहे हैं कि तुम यम नियम पालन नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, तो मेरे परम पुरुष की भावना तुम्हारे मन में कैसे जगेगी? भगवान श्री कृष्ण बोल चुके हैं, साइंटिफिकली ऑल्सो एज यू थिंक सो यू बिकम, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं जो हम सोचते हैं वही होंगे। अगर बार बार मैं सोचते रहा कि वो मैं, मेरे कुत्ते मेरे प्यारे हैं, मेरे परिवार मेरे लिए प्यारे हैं, मेरा बेटा प्यारा है, ये सब अगर मैं सोचते रहा हमेशा, मरते वक्त तो वही सोचते रहूंगा मैं, और मैं वही जाल में फंस जाऊंगा। थोड़ा बहुत साधना किया, मन विकसित हो गया, वे विकसित मन साइंटिफिकली क्या हो गया, इट नीड्स, जो लास्ट में जो मेरा मन, मेरे भाव जो था उसके कारण उसी भाव को बढ़ाने की देह को लेना पड़ेगा। ये पुनर्जन्म का आजकल जो प्रचार हो रहा है मीडिया में, टीवी में, ओ फलाना आदमी ने और फलाना बच्चे ने अपना 3 जन्म का याद कर लिया है इसलिए पुनर्जन्म है, ऐसा नहीं है। पुनर्जन्म इसलिए है, ये तो साइंटिफिक है। एवोल्यूशन कैन नॉट एंड विथ माय डेथ। जब मैं मर गया तो एवोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट माइंड विल नॉट स्टॉप अनलेस आई गेट मोक्ष, यानी मैं परमात्मा में मिल जाऊं। तब तक ये एवोल्यूशन चलते ही रहेगा। जो आनंद मार्ग दर्शन कहता है, जो मन की भाव है, जो संस्कार मैंने बना लिया है, वो संस्कार को प्रकटित होने के लिए, उसका पूर्ति के लिए उसी तरह का बॉडी, उसी तरह का देह, उसी तरह का परिवेश में पुनर्जन्म होगा। अगर मैं स्वार्थी बनूं, यम नियम का पालन ना करूं, मेरे मन शुद्ध नहीं है,
मैं परमात्मा के बारे में ना सोचते हुए देह त्याग कर दिया तो क्या होगा, वही मिलेगा। मन तो विकसित हो चुका है और देह मिल रहा है दूसरे अनविकसित नॉन एक्सपांडेड देह, जिसका ये मन का उसका कोई मैचिंग नहीं, पूरा तरीके से नहीं होता है, इसलिए वो मन को क्लेश भोगना ही पड़ता है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं, जो पालते कुत्ते होते हैं, पालते पशु होते हैं, उनका अंत बहुत जल्दी होता है। यानी जैसा समझिए, एक कुत्ते का जनरल उसका आयु है 18 से 20 साल, एक गाय का आयु है 18 से 20 साल। आप देख सकते हैं, ये वही साइंस भी प्रूव किया है ये, कि ये जब ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो पाला नहीं हुआ पशु है, वो बहुत लंबी तक उम्र तक जीते हैं। जो मनुष्य के संपर्क में आए हुए पशु हैं वो जल्दी मरते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के साथ आते आते उसका मन विकसित हो गया। ये डेथ क्या है, वे ये तो आनंद सूत्र में भी है, when the parallelism between the mind and the body is lost, that is death। तो ये पशु जो है उसका मन इतना विकसित हो गया कि वो बॉडी में वो नहीं रह पाए, वो देह में वो नहीं रह सकेगी, इसलिए उसका डेथ जल्दी होता है। तो अपना प्रभु का निर्देश क्या है, जब ये विकसित मन ऐसा वो नीचे की जो विकास के जो लैडर पे बहुत पीछे है, उस मन में उस बॉडी में ये मन चला गया तो उसके लिए क्लेश अनिवार्य है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं ये क्लेश ना भोगना पड़े, इसलिए साधना करो, इसीलिए यम नियम का पालन करो। आगे कहते हैं कि वो हर आदमी को आनंद मार्ग कल्याण पथदत्त की तरफ लेने लाने की चेष्टा करना हर आनंद मार्गी का कर्तव्य है। ये अपना कर्तव्य है, ये गुरु का निर्देश है, ये गुरु का निर्देश हम कैसे अमान्य कर सकते हैं। हम किसी का परमिशन के लिए, किसी का अनुमति के लिए क्यों वेट करें। ये अपना कर्तव्य बनता है कि हम समझे अपना दर्शन क्या है, इसको लोगों तक पहुंचा दें। इसके बारे में तो श्री कृष्ण भी क्या बोलते हैं, ये जो क्लेश का भोगना और भगवान का भाव लेते हुए काम करने के लिए, वही आठवीं अध्याय में 9 और 10 श्लोक में कहते हैं, अर्जुन को वो बताते हैं, तुम युद्ध कर रहे हो, जो भी करो, सिर्फ युद्ध नहीं, जो भी करो मेरे भाव लेके करो। बाबा भी वही कहते हैं, परम पुरुष का भाव लेके करो। सेकंड लेसन क्या है अपना, सेकंड लेसन लेते करते रहो ताकि तुम्हारा मन मलिन ना हो। तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते रहोगे तो तुम शुद्ध रहोगे, तुम्हारा विकास होते रहेगा। तो विकास रास्ते पे चलने के लिए गुरु का आदेश पालन करना भी अपना कर्तव्य होता है। दूसरों को आनंद मार्ग के पथ पर लाने का चेष्टा हम जब करते हैं, हम गुरु के बारे में सोचते हैं, परम पुरुष के बारे में सोचते हैं। हम ये दूसरों के जैसा नहीं है कि वो मैंने 10 लोगों को लाया, मेरा संस्था बढ़ गया, मेरा कमिटी बढ़ गई, मेरी कमिटी बड़ी हो गई, मैं बड़ा आदमी बन गया। उसके लिए कोई कोशिश नहीं करता कि दूसरों को आनंद मार्ग के पथ पे लाए। हम दूसरों को आनंद मार्ग के पथ पे लाना चाहते हैं कि वो दूसरों की कल्याण हो जाए, ये लोग ये जाने कि बाबा बोल चुके हैं भाई तुम्हारा काम तो इतना है, घर घर में सुना दो कि ऐसा एक रास्ता है,
परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, ये रास्ते पे चलो, चलने की कोशिश करो, इतना तुम घर घर तक पहुंचा दो। ये मैसेज जो है, ये संदेश जो है, घर घर तक पहुंचा दो, वही चेष्टा हमें करना है। हम करते हैं, अरे मैंने इतने सालों से किया, कोई मार्ग ही नहीं बना, एक आदमी ने भी अपना इष्ट मंत्र नहीं सीखा, इनिशिएशन नहीं लिया, पूरा व्यर्थ हो गया मेरा श्रम, गलत। मैंने प्रभु का नाम लेके बता दिया, देखो ये एक अच्छी साधना पद्धति है, एक साइंटिफिक है, लॉजिकल है, इसको तुम सीखो, मेरा कर्तव्य हो गया, ये मेरा प्रभु की आदेश का पालन हो गया। जब उसके संस्कार, तो हम आनंद सूत्र में जानते हैं, ये आनंद सूत्र में पढ़ते हैं, जब उसकी चाहत सद्गुरु को पाने का इतना चाहत हो जाएगी, उसकी चाहत परिपूर्ण हो जाएगी सद्गुरु को पाने की, सद्गुरु खुद उसको बुलाएंगे और बोलेंगे आप याद कीजिए, हम लोग कैसे आए आनंद मार्ग में, क्या हम खुदाए? नहीं, मुझे लगता है हर आदमी जो आज मार्ग ही बना रहा है, प्रभु उसको ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के लाए हैं। कहीं कहीं तो भटकते रहते थे हम लोग, तो उन्होंने चुना और बुला के लाके हमें इनिशिएशन दिलाया, इष्ट मंत्र दिलवाया। ये हमारी बड़प्पन नहीं है, या किसी मार्गी का या किसी आदमी का बड़प्पन नहीं है कि हम इतने लोगों को मार्गी बनाए, बिल्कुल नहीं। प्रभु जब चाहते हैं तो मार्गी हो ही जाएगा, मगर अपना कर्तव्य तो करना है। ये कर्तव्य करते करते हम अपना साधना भी कर रहे हैं, अभी ध्यान कर रहे हैं। अभी ध्यान में क्या होता है, प्रभु का याद कर रहे हैं हम लोग। साधना सिर्फ ये नहीं कि वो मैंने आँख बंद करके ही एक घंटा बैठा, दो घंटा बैठा, नहीं, प्रभु का काम उसी का नाम लेते कर रहा हूँ। अभी ध्यान, उठते बैठते सब समय उसी का नाम। जब बाबा क्यों बोले हैं इसे, ताकि हम लोग याद रखें, वो मुझे जाना है आज, किसी को सुनाना है इसके बारे में, ये साधना के बारे में सुनाना है, प्रभु का ना जानते हुए मैं प्रभु को याद कर रहा हूँ, मेरे गुरु को याद कर रहा हूँ। इससे भक्ति भी जगेगी, मेरी कल्याण होगी, इससे प्रभु का ना कुछ होने वाला है, ना जिसके पास मैं गया वो हो सकता है मार्गी बने ना बने, मार्ग के बारे में पूरा सुने या ना सुने, मगर मेरा कल्याण तो हो जाएगा। प्रभु के बारे में सोचते सोचते भक्ति मेरे अंदर जगेगी। जब भक्ति जब बग जाएगी मेरे हर आदमी के अंदर, जब भक्ति जगेगी तो उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। तो इसलिए अपना चरम निर्देश जो है, ये कोई डॉगमा नहीं है, साइंटिफिकली दिस इज करेक्ट, लॉजिकली दिस इज वेरी करेक्ट, दार्शनिक रीत से आनंद मार्ग की दर्शन कर आधार पर, या बाहर की जो भी दर्शन है, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान सदाशिव का दर्शन के आधार पर भी आप इसका स्टडी कीजिए, तो अपना जो चरम निर्देश है ये बिल्कुल सही है, लॉजिकल एंड साइंटिफिक। तो इसका हम कभी भी उदास रूप से, अवहेलना की रूप से, या अरे ये तो 16 पॉइंट से लिखा हुआ है, दादा कह रहे हैं, जो मैं भी कह रहा हूँ, नहीं, ऐसा कभी ना करें। हम सभी पूर्ण आदर के साथ, पूर्ण भावना के साथ हम अपना चरम निर्देश को याद रखें, पढ़ें। परमपिता बाबा की जय, श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय।